जनपद हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में लाल बहादुर शास्त्री सभागार में सोमवार को 7 दिवसीय थिएटर कार्यशाला समापन हुआ और कार्यशाला के अंतिम दिन हिंदी और अंग्रेजी विभाग के छात्रों के द्वारा छात्रों को दो नाटकों का मंचन किया गया, जिसमें एक थी गोपुली और द वेस्ट लैंड नाटक की प्रस्तुति पेश की गई। दोनों ही नाटकों के मंचन ने सभागार में उपस्थित लोगों और छात्रों का मन मोह लिया। नमस्कार, मेरा नाम लक्षिका पांडे है। मैं एक थिएटर डायरेक्टर, टीचर और परफॉर्मर हूँ और आज ये एमबीपीजी कॉलेज में हम एक थिएटर वर्कशॉप कर रहे हैं जो प्रभा पंत मैम, नीलोफर मैम और यहाँ के प्रिंसिपल सर ने ऑर्गेनाइज़ की है और ये इस कॉलेज की पहली वर्कशॉप है और मुझे बहुत खुशी है ये वर्कशॉप देते हुए। और शायद थोड़ा दुख भी है कि इतना पुराना कॉलेज है और अभी तक एक भी थिएटर वर्कशॉप नहीं हुई, तो ये मैंने काफ़ी सोचा। जो हल्द्वानी में जो एमपीपीजी है, ये लग रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र से ज़्यादा ही पीछे चल रहा है। अगर आप अल्मोड़ा कैंपस देखे जाएगा तो एसएजी कैंपस वो ज़्यादा डेवलप है, पिथौरागढ़ वाला जो कैंपस है वो ज़्यादा स्पोर्ट्स से लेके अगर कॉम्पिटिशन से लेके बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ऑडिटोरियम भी अब जाके बना है, जबकि एसएजी कैंपस अल्मोड़ा में तो कब के बन चुका था। वहाँ फैसिलिटीज़ इससे ज़्यादा अच्छी है, यहाँ हमें ऑडिटोरियम मिलता नहीं है, कहते हैं तुम ख़राब कर दोगे। हम अब प्रैक्टिस कॉलेज के लिए ही हम बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलेज को। ओके, सो हमारा जो अभी थिएटर जो हम कर रहे हैं वर्कशॉप, इससे हमें बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स हुए हैं। द फर्स्ट वन बीइंग ओवरऑल कॉन्फिडेंस ऑफ अ कैरेक्टर एंड कैरेक्टर, हम भले ही स्टेज पे हों या हम रियल लाइफ में हों, हम सब अपने अपने लाइफ में किरदार निभाते हैं, तो वो किरदार को निभाने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो हमें एक थिएटर के थ्रू मिलता है। आज जो हम ये कार्यक्रम यहाँ करा रहे हैं, अंग्रेजी विभाग और हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में है। लक्षिका जी द शक्ति एंसेंबल इनकी संस्था है और ये बहुत अच्छी, जब पता चला कि कला की पारखी हैं और इन्होंने बहुत, इनके पास अनुभव है, तो लगा कि इनको बुलाया जाए, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में जो विद्यार्थी है ना बहुत ज़्यादा प्रतिभावान है। तो मैं यहाँ पर अंग्रेज़ी विषय में प्रोफेसर हूँ, अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ, अंग्रेज़ी की स्टूडेंट हूँ और इस नाते थिएटर से बहुत लंबा हमारा गहरा नाता है, क्योंकि जब बच्चा बीए में ही जाता है या उसके पहले, तो बीए में ही हमारे यहाँ बहुत सारे थिएटर के प्लेज़ हैं, थिएटरिकल प्लेज़ हैं जिनको उनको पढ़ना पड़ता है। इट वॉज़ फर्स्ट टाइम दैट वी इनकॉर्पोरेटेड दिस लेडी।